दोस्तों अक्सर ही फिल्मी सितारों को फिल्म की स्टोरी, कॉन्सेप्ट और फिल्म के बजट के अकॉर्डिंग उनकी फीस दी जाती है और मेकर्स द्वारा तय की गई उनकी फीस के साथ फिल्मी सितारे फिल्म में काम करने के लिए अपनी हामी भर जाते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में कुछ फिल्मी सितारे ऐसे भी देखने को मिले हैं जिन्होंने अपनी फिल्म के हिट होते ही अपने भाव बढ़ा दिए हैं और अपने भाव के साथ साथ अपनी फीस भी बढ़ा दी है। जी हाँ, और इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर साउथ एक्टर्स तक का नाम शुमार है और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सितारों से रूबरू कराने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से हैं वो बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के सितारे जिन्होंने फिल्म के हिट होते ही बढ़ाई अपनी फीस। नंबर एक पर है रश्मिका मंदाना। इस लिस्ट के पहले नंबर पर नाम शुमार होता है साउथ इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा रश्मिका मंदाना का, जिन्हें पुष्पा द राइज फिल्म के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए दिए गए थे और जब इनकी पुष्पा फिल्म सुपरहिट साबित हुई तो इनके भाव बढ़ गए, साथ ही इन्होंने अपनी फीस भी 2 गुना बढ़ा ली है। जी हाँ, अब अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पुष्पा पार्ट 2 के लिए मेकर से 3 करोड़ रुपए की मांग कर रही हैं। नंबर 2 पर है दीपिका पादुकोण। अब बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के बारे में, जो कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड अभिनेत्री में से एक मानी जाती हैं। दीपिका ने संजय लीला भंसाली से फिल्म पद्मावत के लिए 12 करोड़ रुपए की फीस डिमांड की थी और इस फिल्म से पहले ये 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती थी और भंसाली ने इन्हें पद्मावत में 12 करोड़ की फीस दे दी थी, जबकि शाहिद कपूर और रणवीर कपूर को फीस के रूप में 10 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। नंबर 3 पर है कंगना रनौत। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत और विवादित अभिनेत्री कंगना रनौत का भी नाम इस लिस्ट में शुमार होता है। जी हाँ, क्वीन फिल्म की सक्सेस के बाद कंगना ने भी अपनी फीस बढ़ा ली थी और फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए भी इन्होंने 14 करोड़ लिए थे और इस फिल्म के हिट होते ही इन्होंने हलाईवी फिल्म के लिए अपनी फीस और भी ज्यादा बढ़ा ली, जहाँ उन्होंने इस फिल्म के लिए 24 करोड़ रुपए की फीस ली। नंबर 4 पर है कार्तिक आर्यन। बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैंडसम और टैलेंटेड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने भी अपनी फिल्म प्यार का पंचनामा के बाद सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म के हिट होने के बाद अपनी फीस काफी ज्यादा बढ़ा ली थी। इस फिल्म की सक्सेस के बाद कार्तिक ने अपनी फीस 5 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ कर दी थी और फिल्म धमाका के लिए कार्तिक ने 21 करोड़ रुपए की फीस ली थी। नंबर 5 पर है यश। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश ने साउथ इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं और आपको बता दें, इन्होंने साल 2018 में फिल्म केजीएफ के हिट हो जाने के बाद ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी और इस फिल्म के लिए इन्होंने 15 करोड़ रुपए फीस ली थी और फिल्म के हिट होने के बाद इन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी। जी हाँ, खबरों के मुताबिक आपको बता दें, इन्होंने केजीएफ 2 फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए की डिमांड की है। नंबर 6 पर है आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैंडसम और डैशिंग अभिनेता आयुष्मान खुराना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरहिट मूवी दी है और इनकी फिल्म ड्रीम गर्ल की सक्सेस के बाद इन्होंने अपनी फीस काफी ज्यादा बढ़ा ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, इस फिल्म की सक्सेस के बाद उन्होंने अपनी फीस को 2 करोड़ से सीधे 10 करोड़ तक कर दिया था, यानी कि इन्होंने अपनी फीस से सीधा 8 करोड़ तक बढ़ा दिए थे। नंबर 7 पर है रणवीर सिंह। रामलीला और बाजीराव मस्तानी जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले अभिनेता रणवीर सिंह का भी नाम इस लिस्ट में शुमार होता है। जी हाँ, रणवीर सिंह फिल्म सिम्बा से पहले 10 करोड़ रुपए फीस लेते थे, लेकिन इस फिल्म की सफलता के बाद इन्होंने अपनी फीस में 3 करोड़ का इजाफा किया है और वो अब 13 करोड़ रुपए चार्ज कर लेते हैं और फिल्म 83 के लिए रणवीर ने तो 20 करोड़ रुपए तक चार्ज किए हैं। नंबर 8 पर है रणबीर कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले अभिनेता रणवीर कपूर भी फिल्म संजू की सक्सेस के पहले 3 करोड़ रुपए चार्ज करते थे और इस फिल्म की सक्सेस होने के बाद रणवीर ने अपनी फीस डबल कर दी है और इसे बढ़ाकर इन्होंने 6 करोड़ तक कर दिया है। वहीं अब रणवीर कपूर अपनी एक फिल्म के लिए तकरीबन 20 करोड़ रुपए चार्ज कर लेते हैं। नंबर 9 पर है शाहिद कपूर। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैंडसम और टैलेंटेड अभिनेता शाहिद कपूर का। फिल्म कबीर सिंह इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी और इस फिल्म के लिए इन्होंने 35 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपनी अपकमिंग फिल्म जर्सी के लिए इन्होंने 40 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इस तरह से इन्होंने अपनी फिल्म में 5 करोड़ रुपए बहा दिए हैं।
तो दोस्तों, आप इन बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के फीस बढ़ाने वाले सितारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।